Hello everyone, welcome back to our channel. In this video lecture, we are going to talk about introduction and the history of microbiology. So, हमारा first slide है, introduction पे based है कि हमें microbiology में क्या क्या पढ़ना है और microbiology का meaning क्या होता है, microbiology का definition क्या है and the subtypes or types of microbiology. ठीक है? So, हमारा first line है, the word microbiology was derived from Greek word micros plus bios. Micros का मतलब होता है small और bios का मतलब होता है life. जो tiny animals है, जो छोटे छोटे microorganism है, उनके बारे में पढ़ना है हमें यहाँ पर. ठीक है? तो microbiology को अगर हम breakdown करेंगे, तो दो word में breakdown हो रहा है, micros plus bios. Micros का मतलब क्या है? Small और bios का मतलब क्या है? Life. ठीक है? अब इसका हम डेफिनेशन देखेंगे. इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कंसर्न प्राइमरली विद द बायोलॉजी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. माइक्रोबायोलॉजी का डेफिनेशन ये हुआ कि जहां हम उनके बारे में पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है हमें, वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी. अब हमारे एनवायरमेंट में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बेसिकली हम कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जानते हैं और फैमिलियर है? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस और एल्गी और प्रोटोजोअन्स, ये इन सब के बारे में हमें पढ़ना है, वो क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी. अब है माइक्रोबायोलॉजी मे बी प्योर और एप्लाइड. सो माइक्रोबायोलॉजी कितने टाइप की हो गई हमारी? टू टाइप्स की हो गई. अब हमारा इनका क्या है? सब टाइप्स है कि प्योर माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या है और एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है. सो हमारा जो प्योर माइक्रोबायोलॉजी है उसमें हमें पढ़ना है बैक्टीरियोलॉजी. बैक्टीरियोलॉजी में हमें किस के बारे में स्टडी करना है? तो बैक्टीरिया के बारे में स्टडी करना है. बैक्टीरियोलॉजी में किसको स्टडी करना है? बैक्टीरिया. नाम से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए. माइकोलॉजी है, प्रोटोजोअलॉजी है, फाइकोलॉजी यहाँ पे हम फंजाई को स्टडी करेंगे, वायरोलॉजी यहाँ पे हम वायरस को स्टडी करेंगे, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सेल्यूलर और मॉलिकुलर और इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, इन सबको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है? सेकेंड है हमारा एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है? मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी. मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या देख सकते हैं कि जो भी मेडिकल जो भी मेडिसिन से रिलेटेड होंगे. ठीक है? मेडिकल वर्ल्ड में क्या है? मेडिसिन है, ड्रग्स है, वो क्या हो गए आपके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आ गए. फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, दिस इज द इम्पॉर्टेंट. ठीक है? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या आ गए? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वैक्सीन, आपके ड्रग्स, आपके केमिकल्स और विटामिन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स जितने भी होंगे वो कहाँ आते हैं? फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं. वहां भी क्या होता है? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? कुछ ड्रग्स और को बनाने के लिए यूज होते हैं. जैसे एंटीबायोटिक बनाना है, वैक्सीन्स बनाना है, तो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक बनाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से बनाते हैं. और वैक्सीन्स बनाते हैं तो वैक्सीन्स में भी क्या लेते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं. इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या होता है? इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कोई केमिकल्स बनाना हो हमें, कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाना हो, वहां पे हमें उसमें हमें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का यूज होता है. और फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी में है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड के स्पॉयलेज, कॉन्टामिनेशन और कुछ वहां पार्टिसिपेट करते हैं. और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फूड के लिए क्या है? बेनिफिशियल है. जैसे आप दही बनाओ, दही के लिए कौन से बैक्टीरिया बेनिफिशियल है आप ही बताओ. बहुत कॉमन बैक्टीरिया है LAB, लैक्टो एसिडिक बैसिलस बैक्टीरिया है. ठीक है? और चीज बनाने में, ठीक है, चीज बनाते हैं, ये ब्रेड बनाते हैं, वाइन, बियर, इन सब में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज है. तो हमारे फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है हमें. सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है? वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल को क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन के लिए यूज करते हैं, डिग्रेडेशन में यूज करते हैं. ठीक है? तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके लिए हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी यूज करेंगे. ठीक है? अब है वॉटर माइक्रोबायोलॉजी. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? वॉटर में प्रेजेंट होते हैं. उन बहुत सारा है, आपका प्लांट है वॉटर से. एयर माइक्रोबायोलॉजी में क्या होगा? एयर में क्या होता है? जो हमारे एनवायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, एयर में बेसिकली सारा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है आपका, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट्स. और जैसे कि देखो एयर बॉर्न डिजीज होते हैं ना, कि एयर टू एयर क्या होते हैं? ट्रांसमिशन होता है उनका. और माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी जो हमें इंडस्ट्रियल रूप में हमें इनका वहां पे हम पढ़ेंगे क्या? माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी. सो बेसिकली हमारा क्या हुआ? माइक्रोबायोलॉजी टू टाइप्स का हो गया, प्योर और
अप्लाइड. अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट स्लाइड होगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पे. आप इनको नोट डाउन कर सकते हो तब तक. ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. हमने फर्स्ट स्लाइड में क्या देखा, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. उसमें क्या देखा, मीनिंग, माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग और डेफिनेशन और टाइप्स देखा. इसमें हम हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे. ठीक है, तो हम ईयर बाय ईयर देखते चलेंगे. ठीक है, जैसे जैसे ईयर बढ़ता गया उस अकॉर्डिंग है, ताकि आपको लर्न करने में कभी प्रॉब्लम ना होगी कि ऊपर नीचे क्या था. ठीक है, 1590 जो ये जैकेरिस जेंसन है, ये फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, इन 1676 फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑफ बैक्टीरियल एनिमल क्यूल्स. एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है टाइनी एनिमल्स, टाइनी एनिमल्स जिनको हम कहां देखेंगे, अंडर द माइक्रोस्कोप, जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. तो वो क्या हो गए, टाइनी एनिमल्स और एनिमल क्यूल्स. किन्होंने देखा था, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था. ठीक है, ये 50 to 300 मैग्निफिकेशन पे देखा था. 50 to 300 x मैग्निफिकेशन पे देखा था इसको, माइक्रोस्कोप के मदद से देखा था. किन्होंने देखा था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने देखा था. अब इन 1796 फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड बाय एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने क्या था, क्या किया था, एक वैक्सीन, सबसे पहले जो वैक्सीन को का खोज किया था, किन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर ने. कौन सी डिजीज के लिए, तो स्मॉल पॉक्स के लिए किया था, स्मॉल पॉक्स. ठीक है, अब है हमारा 1857. इसमें क्या है, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज. किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था. और लुईस पाश्चर को हम ये भी बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं. लुईस पाश्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. ये क्या है, लुईस पाश्चर क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है. इन्होंने क्या दिया था, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज दिया था. इन 1867 एंटीसेप्टिक इन सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने दिया था. ठीक है, जोसेफ लिस्टर ये साइंटिस्ट, मैंने जिनको भी ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है वो साइंटिस्ट का नेम है और वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है. ठीक है, और ये इन्होंने क्या किया था, एंटीसेप्टिक इन सर्जरी का खोज किया था इन 1867. इन 1884 कॉस्ट पोस्टुलेट दिया था, जो क्या है, डिजीज ट्रांसमिशन पे बेस्ड है. कॉस्ट पोस्टुलेट, कॉस्ट पोस्टुलेट में बेसिकली होता क्या है कि अगर हमें कोई भी डिजीज हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या कोई भी पैथोजेंस उसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है. वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको किसी हेल्दी एनिमल्स में या हेल्दी ह्यूमन की बॉडी में नहीं मिलेगा. तो ये क्या है कि अगर कोई भी डिजीज हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जैसे कोरोना वायरस है, जैसे कोरोना डिजीज हो रही है लोगों को, तो इसके लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है, कोरोना वायरस जो कब आई थी, 2019 के दिसंबर में आई थी, इसलिए हम उसको बोलते हैं कोविड-19. अब ये रॉबर्ट कोच है, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी भी, इनको फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, सॉरी, रॉबर्ट कोच को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बायोलॉजिस्ट बोलते हैं. ये सॉरी, रॉबर्ट कोच क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट में इनका काम आया था. इन 1890 पॉल इनरिच ने दिया था थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी एंड हीमेटोलॉजी. ये जो पॉल इनरिच है, इन्होंने क्या दिया था, थ्योरी ऑफ इम्यूनिटी एंड हीमेटोलॉजी. इस थ्योरी के अंडर आता है कि इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में क्या होता है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमारा एंटीबॉडीज क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो ये इन्होंने जो थ्योरी दी थी कि हाँ, जो इम्यूनिटी को हमारी बॉडी में बूस्ट करते हैं वो कौन करते हैं, एंटीबॉडीज, तो उसके लिए एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है. आप इनको नोट डाउन करो, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लिख दूंगी. तो यह 1890 to 1910 में कौन से साइंटिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट रेमंड सेवॉर, जिन्होंने डेवलप किया था कल्चर मीडिया टू स्टडी ईस्ट एंड मोल्ड्स को. अब कल्चर मीडिया क्या होता है, ये हम क्या करते हैं, पेट्री प्लेट्स में उनको पोर करते हैं और उस पर ग्रो कराते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या दिया था, ईस्ट एंड मोल्ड्स के लिए दिया था. फिर वहां से हम कल्चर उठाते हैं और अंडर द माइक्रोस्कोप उसका हम एग्जामिन करते हैं. ठीक है, अब इन 1940 सेलमैन वैकोमैन, ठीक है, सेलमॉन वैकोमैन डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स. ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कब आया था एंटीबायोटिक्स, डिस्कवर्ड अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स इन 1940. किन्होंने किया था, तो सेलमैन ने किया था.
ठीक है, एंटीबायोटिक्स में टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, इन 1938 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हुआ था, किन्होंने किया था, नॉल एंड रस्का ने किया था। किन्होंने किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट, नॉल एंड रस्का। इन 1954 पोलियो वैक्सीन आई थी, किन्होंने दिया था, जॉनस सॉक ने दिया था। सेबिन ने क्या दिया था, एटीन्यूटेड वैक्सीन। एंड इन 1954 में ही क्या हुआ था, सेल थ्योरी आई थी, स्केलेडन एंड स्वान की। ये बहुत फेमस थ्योरी है स्केलेडन एंड स्वान की, हम प्लस टू से पढ़ते आ रहे हैं इनको। इन 1892-1893 जॉन टिंडल एक साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये। इन्होंने क्या दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डस्ट मीडियम। ठीक है, जब हम स्टेरिलाइजेशन और टिंडलाइजेशन की यूनिट पढ़ेंगे वहां पे ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डस्ट मीडियम देखेंगे। तो किन्होंने दिया था, ये जॉन टिंडल ने दिया था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन डस्ट मीडियम। इन 1941 बीडल एंड टॉटम, रिलेशन बिटवीन जीन एंड एंजाइम यूजिंग ब्रेड मोल्ड एंड न्यूरोस्पोरा। और 1928 ग्रिफिथ ने दी थी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एक ये थ्योरी है, रफ एंड स्मूथ पे दिया था। ठीक है, ये ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमारा डीएनए ही है, कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो उन्होंने कौन दिए थे, किन्होंने दिया था, ग्रिफिथ ने दिया था। ठीक है, ये भी हम प्लस टू से पढ़ते आ रहे हैं, प्लस टू में है हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी जितनी भी थी वो हिस्ट्री थी, आप इनको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख सकते हो। सॉरी फॉर माई पुअर राइटिंग। ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।